आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, सो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ग्लास एंड वुड आर प्लेस्ड इन वाटर इन टू कंटेनर्स। ठीक है, सो गिव रीजन। सो ये दो केसेस कंसीडर करते हैं। केस वन, दिस इज फॉर ग्लास एंड केस टू फॉर वुड। ओके, सो देखिए, लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है जहाँ पे हम लोगों ने पानी डाल रखा है, जैसे क्वेश्चन ने सजेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों ही जगह हम लोगों ने कुछ, जैसा कि ये हमारा ग्लास है, ठीक है, और ये हमारा वुड है, ठीक है। सो लेट्स से वाटर का जो डेंसिटी है, इसको हम लोग रो मान लेते हैं, ठीक है, दोनों ही वाटर है। और इस केस में हम लोगों ने ग्लास लिया है, सो ग्लास का डेंसिटी रो जी ले लेते हैं एंड फॉर वुड रो डब्लू। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, दैट डेंसिटी ऑफ ग्लास ये हमारा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और वुड के केस में डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ वुड। सो डेंसिटी ऑफ वाटर को हम लोग रो से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, सो क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज फॉर ग्लास, तो सिंपली ये सिंक कर जाएगा, ठीक है। पीस ऑफ ग्लास विल सिंक इन वॉटर, वेयर एज इन केस ऑफ वुड, क्योंकि वुड का डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वॉटर, सो वुड विल फ्लोट ऑन वॉटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।